चाचा एमएनएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। हॉस्टल को लेकर फिर छात्रों का आंदोलन। आरटीएम नागपुर वीवी के हॉस्टल में अनुमति के बिना रहने वाले छात्रों ने दी दो दिन पहले ही कैंपस गेट पे आंदोलन किया था। करीब दो घंटे तक गेट से किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया गया था। पुराने छात्रों को हॉस्टल में रहने दे या नहीं दे, इस पर निर्णय लिया गया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक गट वीवी प्रशासन पर दबाव बना रहा है, जबकि नियम पहले से ही तय है कि एक डिग्री होने के बाद छात्रों को हॉस्टल खाली करना पड़ता है, इसके बाद ही नए छात्रों को प्रवेश मिलता है। नागपुर रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर को विध्वंस 25 सितंबर से शुरू होगा और फ्लाईओवर के विध्वंस रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। गडकरी ने मुगल को दुकान मालिकों, स्कूल और मंदिर को अन्य स्थानों पर पुनर्वास के लिए कहा है। गडकरी ने अतिरिक्त रूप से महामेट्रो को मुंजे चौक में नेताजी बाजार विकसित करने एनएमसी के साथ 50% मुनाफा साझा करने का निर्देश दिया। युवतियों को शादी कर उनसे नगद और संपत्ति डकारने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में एक के बाद एक अलग अलग महिलाओं के साथ चुपके शादी कर उनसे नगद और उनकी संपत्ति डकारने वाला शातिर गिरफ्तार। यह मामला उस समय सामने आया जब तलाकशुदा महिला से अपनी शादी की बात छुपाकर उससे शादी करने की इच्छा रखी और उसी समय उसकी पत्नी सामने आने से उसकी पोल खुल जाने पर बेलतरुड़ी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी को बेचने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वह धरा गया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए नमस्कार।